मैं बिजनेस कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी दिल की आवाज़ है। अगर हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है और IMF से छुटकारा हासिल करना है तो हम मुश्किल भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके साथ उनका नेक्स्ट डिमांड ये है कि फिर गवर्नमेंट अपने अखराजात भी कम करें। ये जो उनके जो चीज़ें हैं, फिर हम अपने हालात को देखकर हम अपने अखराजात उस तरह कर लें। ये कहते हैं कि हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ताउन करेंगे, क्योंकि मुल्क को इस वक्त तमाम बिजनेस कम्युनिटी की यूनानी मस्वाइश है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए सबको अपनी ताकत और बसात के मुताबिक इसमें अपना हिस्सा डालना है ताकि पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी कर्ज़ों के झंझट से निकले। बजट चूँकि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, वो ख़ुद समझते इस चीज़ों को, ये मुश्किलात वो समझते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा मीटिंगें उनसे की, मैंने इसहाक डार साहब से 2-3 मीटिंगें की, फ़ोन पे हमारे हर वक्त रब्ता रहता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बजट अच्छा। आवाम के बड़े तौक़ात है कि तेल की कीमतें कम होंगी इस बजट में, कम हो रही हैं। आप देखो घी तकरीबन 60-70 रुपए कम हो गया, और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। अच्छा इकदाम है, देखो लोकल करेंसी पे काम होगा, माल ले जाएगा, माल देगा, माल लाओगे, ताकि जो डॉलर की मुश्किलात है हमें, LC की मुश्किलात है। और इसके अलावा इस पे भी काम हो रहा है कि और भी बड़े मुल्क इसमें शामिल हो जाएंगे, हाँ इंशाल्लाह ताला, कोशिश हो रही है इस पे कि यारा ये जो डॉलर की मुश्किलात है इससे मुल्कों का छुटकारा इनको मिल सके।